regular aspect and part of Awqaf, Hajj, Religious and Minority Affairs Department, Khyber Pakhtunkhwa, and Khyber Pakhtunkhwa Annual Development Program, but it is also emerging as a platform for promoting the message of peaceful coexistence and unity among the youth of all different faiths across the province. Over the years, Awqaf... आसमानी बाप रबुल अफवाज कादर मुतलक खुदावंदों के खुदा दुनिया के खालिक व मालिक हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी हमदो तारीफ करते हैं, आपके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने आज शर्फ बख्शा कि हम सब इकट्ठे हो सके। और खुदावंद जिस तरह आपका कौल है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखें। आज इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में खुदावंद हम पर फजल कर, रहम कर कि हम अपने पड़ोसी से, अपने हमवतनों से, अपने तमाम तर इस पाकिस्तान में बसने वाले माइनॉरिटी से अपने बराबर मोहब्बत रख सकें। शुक्रगुजारी करते हैं तमाम तर गेस्ट के लिए, MPS के लिए, मोजेस, जितने मेहमान गरानी यहाँ मौजूद हैं, सबके लिए कि आप उनको यहाँ लेकर आए। आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बाइस से बरकत और पुरफजल हो। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते और पाते हैं, आमीन। धीमही देव योना प्रचोदयात ओम सिन्नो देवी रिविष्टिया आपो भवन्तु प्रीतिनोम स्रोतम स्रोतम ओम चक्षम स्वाहा। ओम सिद्धुर सूरता राजक प्राणनाथ दुखना सिद्ध सुख स्वरूप प्रसन्न रूप तन करने वाले देव स्वरूप का हम ध्यान धरते हैं जो हमारी बुद्धियों को सदा वल असल इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ए अल्लाह ताला, हम तेरी बारगाह में दुआगो हैं कि महकमा औक़ाफ़ मज़हबी अमूर व अक़लियती अमूर के ज़ेर इहतमाम ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है और इसका जो लोगो है और जो इसका अक़लियत पाकिस्तान का सरमाया और बनेगा पाकिस्तान अमन का गहवारा, या अल्लाह ये जो यहाँ से निकलने वाली ये आवाज़ है, इस आवाज़ को न सिर्फ ये कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस आवाज़ को आम कर दे और पाकिस्तान को सही मानों में अमन, प्यार, मोहब्बत, अखुवत और एक्सेप्टेंस और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का गहवारा बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इंशाल्लाह आज हमारी अर्जुई दन्नी की दिल की तमन्ना पूरी हो गई। पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में मैं शरीक हूँ। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हामा आंगी सूबे के जिम्मेदार की हैसियत से हम काम कर रहे हैं। ऐसा वक्त था कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते, नफरत है। मेरा हंगू में प्रोग्राम था एक हफ्ता पहले, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आएंगी उस जिले का हल बरदारी की तकरीब थी, बहुत बड़ा काबीना बन गया। तो वहां पर मुझे ये बताया गया जो हमारे अक़लियती भाई हैं उनकी तरफ से आप, उन्होंने दावत का अहतमाम किया है, आप उनकी दावत में शिरकत करेंगे। मैंने दिल में कहा पहले से प्रोग्राम करके मैं इनके पास जाऊंगा, डायरेक्ट जाऊंगा, जो भी तैयार हो उनके साथ हम खाना खाएंगे। लेकिन अल्लाह ने उस आरजू को पूरा कर दिया, उनके इस्तकबालिया में मैंने शिरकत की। मेरे साथ दीगर experience each and every minority in Pakistan to live with them. My friend Mala, she's here. I spend a lot of time with her. She's from Hindu community. And when recently I've been in Swat with the Sikh community, and that was like amazing experience in Swat. The way they took me to Gurdwara, and I learned a lot of things from them.
तो मेरे लिए, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ आई थिंक लकीली, तो मुझे सारे मज़ाहिब के साथ रहने का और उनके साथ टाइम गुजरने का जो मौका मुझे मिला है वो बियॉन्ड माय वर्ड्स, मेरे एक्सप्रेशन से बहुत आगे है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं कैलाश से हूँ और चित्राल से हूँ, तो कैलाश और चित्राल एक अलग खूबसूरती है। मुशर्रफ साहब से जब भी पूछा जाता था कि इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, तो वो कहता था मैं तो चित्राल से लड़ूंगा। उसकी वजह हमारी इंटरफेथ हारमनी, हमारी मोहब्बत आपस में। और हम सिर्फ 4,000 लोग कैलाश में रहते हैं और हमारी प्रोटेक्शन हमारी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी करती है, और अगर उनमें उनमें और हमारे में इंटरफेथ ना हो तो सिर्फ 4,000 लोग 14,000 लोगों के बीच में रहना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो हम अगर वहाँ पे अभी तक प्रिजर्व है, अगर अभी वहाँ हम इस तरह आज़ादी से जी रहे हैं, हमारे दुख सुख, हमारे फेस्टिवल्स, हमारी ईद एक साथ होती है। मैं पंजा साहिब गई थी, मैंने तस्वीर पोस्ट की तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम तो पंजा साहिब गए हो, तुमने ये रिलीजन चेंज किया है। तो मैंने उसको कहा अरे यार तू भूल गई, मैं तो ईद भी मनाती हूँ। तो दैट्स व्हाट, मतलब हमारे जो चित्राल है वो हमें सिखाता है कि इंटरफेथ। अस्सलाम वालेकुम। जब मुझे ये कहा गया कि मैंने एक मोटिवेशनल सेशन देना है स्टूडेंट्स को, तो मेरे जहन में जो पहला प्राइमरी ग्रुप था वो स्टूडेंट्स था, जो आप में से यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने करियर ना कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, ये समझ बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सेशन जो है वो प्राइमरीली इन्हीं चीज़ों के बारे में होगा कि हम किस तरीके से अपने आप को हारमोनी के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ रह सकते हैं। मेरे से पहले जिन अशखास ने यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया, अकीदे के बारे में मुख्तलिफ किस्म की तालीमात दी, और एक कॉमन डिनोमिनेटर जो सारे रिलीजन्स में है वो है पीस एंड हारमोनी। पीस और हारमोनी हासिल की कैसे जाती है, हम कैसे अपने यंगस्टर्स को ऐसी तालीमात दे सकते हैं जिससे वो पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें और एक दूसरे के साथ। तो तभी मैंने इसके लिए जो टॉपिक चूज़ किया अपने यंगस्टर्स के लिए वो था लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। और लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। गहरा ताल्लुक कुछ इस तरह है कि जो लीडर्स सक्सेसफुल होते हैं उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, और जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं। और लीडरशिप मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है ये मैं ज़रा फिजिकली डेमोंस्ट्रेट करना चाहूँगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि मेरी कम्युनिटी की कैपेसिटी लेवल उससे थोड़ी सी कम होगी, तो अगर मेरी लेवल ये है लेट से एक 5 है और 6 है, तो मेरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट जो है वो उससे 4 या 3 होगी, थोड़ी सी कम होगी। अगर मैं अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो उसका पहला स्टेप क्या है कि मैं अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करूँ और फिर मेरी कम्युनिटी भी साथ में इंक्रीज हो, मुल्क की भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो दैट्स वाई लीडरशिप का टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव कि लीडरशिप को अगर एक लफ्ज में, इन वन वर्ड इफ आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट लीडरशिप इज, तो आई वुड यूज द वर्ड इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस का जो उर्दू में अगर मैं इसका मतलब अब असर अंदाजी और मुतासर होना, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और इन्फ्लुएंस करने की जो साइंस है, द साइंस बिहाइंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, वो आज भी वही है जो आज पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट की, मतलब लाइन तो हमने बनानी ही नहीं है। और फिर यहां पर क्या हो रहा है कि एक शख्स की एक इम्पल्स थी, देयर वाज एन इम्पल्स कि मैं गलत टर्न ले लेता हूं, जरा जल्दी में पहुंच जाऊंगा वहां पर, उस एक इम्पल्स ने हजारों लोगों का रास्ता रोक लिया वहां पर। तो इन सिचुएशंस में हो क्या रहा है कि कुछ लोग कुछ मौकों पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सक रहे, रादर उनके, एंड दैट्स वाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज सो इंपॉर्टेंट। सो इस चीज को आप याद रखिए। दूसरी चीज ये है कि योर, अभी पहले तो मुझे ये समझना है कि मैं किस तरह से फील कर रहा हूं। अगर अभी मैं देखूं तो माहौल जो है वो जरा जोशीला माहौल है इस कॉन्फ्रेंस का, जरा जोश में है हम। और फिर यूजली होता क्या है कि इन कॉन्फ्रेंसेस के बाद फिर वो जरा लेवल थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। पर जब लेवल डाउन होता है तो इंसान को क्या करना चाहिए, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजिंग दिस अवेयरनेस टू मैनेज योर ओन सेल्फ, और ये जो अवेयरनेस के वॉट ऑफ
the way from Michigan in the USA and to be here in Peshawar. It is just awesome. You know, we've got too much of this in the world, don't we? We need a little more of this. And that's what this conference is about. This is my fifth trip to Pakistan. And I wear a green that says in Urdu and English, I love Pakistan. I love my own country of United States of America, and I love both of their constitutions. I love both of their founders. I love your founder and his tremendous vision for an inclusive country. And I love your flag, green and white. So today, I got to read a great document, the Marrakesh Declaration of 2016, South Africa in Morocco. And there are a couple of points in there that were phenomenal. And it said, it's writing about the subject of minorities within Muslim lands and using Al-Madinah as the model. And so in that model, it was brought out that the basis, the foundation for minority rights and unity within the community, within the Ummah, is not government, it is not laws, but it is intellectual who persecute you. Praise that you may be the children of your Father God in heaven. He causes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you, talking to his followers, if you love those who love you back, what reward will you get? Even the mafia does that. He used the word tax collectors, but it's basically the same in that day. If you love and greet, if you greet those of your own people, what are you doing more than any others? Do not even pagans do that? Certainly they do. But he says, be complete in your love and inclusive in your love for one, for people. And as your God in heaven is complete in his love. What a tremendous implication that has for minorities. The circle of God's love is so wide, it includes everyone. And we thank God for the privilege of sharing that message with you today. My time is up. God bless you. God bless your wonderful country. We love you and we are for you. अपनी इबादत करें उस पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी, खून बहाया. उस पाकिस्तान का नजरिया, उसकी तकमील इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौर में आपको नजर आ रही है कि हम एक छत के नीचे तमाम मजाहिब, तमाम अकायद के लोग बराबरी की बुनियाद पर बैठे हुए हैं. तो मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, रवि कुमार, वजीरजादा, विल्सन भाई, जितने भी यहां पे स्पीकर्स हैं, हमारे ऑनरेबल स्पीकर मुश्ताक गनी ने जबरदस्त प्रोग्राम किया. यहां पे बड़े शनासा चेहरे हैं और मुझे पता है कि आप लोगों की, मैं अगर पेशावर की बात करूं तो पेशावर की, आप लोगों की कुर्बानियां पेशावर के लिए नाकाबिले फरामोश है. एडविन साहब के बेटे मैंने यहां पे देखे, मैं खुद एडवर्ड से पढ़ा हूं. आप लोगों ने पेशावर को इकट्ठा करने के लिए, पेशावर को, पख्तूनख्वा को यूनाइट रखने के लिए, हम बड़ी मुश्किल दौर से गुजरे. हमने पिछले 20 साल यहां पे जो कुछ देखा वो तारीख इंसानी ने नहीं देखा, लेकिन वहां पर भी तमाम मजाहिब, तमाम अकायद एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद रहे इस मिट्टी को बचाने के लिए. तो ये हमारे लिए फख्र की बात है. मैं पख्तूनख्वा का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से
और पेशावर का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं और इंशाल्लाह तालियां पता नहीं इनको जल्दी खाना खिलाऊं जो ऑर्गेनाइजर थे मैं ये वजीर मेंबर प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा मिस शनीला रूथ मेंबर नेशनल असेंबली my apologies for the name pronunciations I'm probably not good with that I would like to Mr. Samuel Peara. लेकिन इससे पहले बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश का हवाला देना चाहता हूं पहले बात कि खुदा ताला ने छह दिन में तख्लीक किया कायनात को इसमें जानवरों को भी तख्लीक किया पहाड़ों को तख्लीक किया समुद्रों को तख्लीक किया जंगलों को तख्लीक किया और फिर छठे दिन इंसान को तख्लीक किया सारी मखलूक बना दी और फिर छठे दिन अशरफ मखलूकात को बनाया और वो था आदम अलैहिस्सलाम इंसान और उससे पहले जब वो कुछ बनाता था तो वो कहता था खुदा ताला अच्छा है ये खुदा ताला का ज़ेहन है कि वो जब चीज बनाता है तो कहता अच्छा है इंसान को बनाया अच्छा है लेकिन हम इंसान जिनको खुदा ने बनाया है हम दूसरे इंसान को कहते हैं तू अच्छा नहीं है मैं अच्छा ये मेरा हक नहीं है खुदा ताला ने कहा है कि अच्छा है तो हमें भी एक दूसरे को अच्छा कहना आए हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए को सिर्फ एक जुमला कह दें कि आप अच्छे हैं कह दें जरा एक साथ बैठे हुए मुसलमान भी हैं हिंदू सिख सर एक दूसरे को कह दें आप अच्छे हैं आप अच्छे हैं सिर्फ मैं अच्छा नहीं अपनी तरफ इशारा ना करें आप अच्छे हैं हम सब अच्छे हैं कैद आजम मोहम्मद अली जिना आप सबको प्यार करते हैं ये मुल्क आप सबका है ये हुकूमत भी आप सबकी है और मैं शुक्रगुजार हूं कि हुकूमत वक्त ने फोकस किया है इस बात के ऊपर कि सब मिलजुल कर इसमें सारी कम्युनिटीज के लोग हैं एथनिक ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ अकायद के लोग हैं मिलकर इकट्ठे भी हों एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें खुदावंद यीशु मसीह से एक शरा के आलम ने एक सवाल किया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि तू अपने खुदावंद खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख पहला और बड़ा हुक्म यह है लेकिन इसकी मानत दूसरा हुक्म यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख मेरा पड़ोसी कौन है मेरा पड़ोसी वो नहीं है जो मेरे साथ बैठा है मेरा पड़ोसी वो है जिसको मैं जानता हूं जो उधर भी बैठा है आखिर में जो इधर भी बैठा है जो मेरे करीब भी है ये मेरा पड़ोसी है जहां तक मैं पहुंच सकता हूं वो मेरा पड़ोसी है जो मेरे सामने आ जाता है वो मेरा पड़ोसी है और खुदावंद ताला ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें सो मेरे अजीजों आए हम
आज इस कॉन्फ्रेंस से एक बात सीख कर जाएं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के अकायद की रिस्पेक्ट करें, ऑनर दें, एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक हों और इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाएं जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हमारे हर दिल अज़ीज़ मुश्ताक गनी साहब, हमारी बहन शुनील अरूद साहबा, वज़ीर-ए-ज़ादा साहब, रवि कुमार साहब, विल्सन वज़ीर साहब, हमारे सारे औकाफ़ डिपार्टमेंट के हेड्स, आप सब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने फिर एक मौका फराहम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने पाकिस्तानी हैं उनको यकजा कर सकें और उनको आगे लेके जा आगे भी बढ़ें। और उनको नहीं पता चले पता होगा कि बड़े अरसे तक बन्नू के शहर में लाला अमरनाथ जिरगे कराते थे, बहुत अरसे तक वो जिरगे कराते रहे। इससे पाकिस्तान के बनाने में मुख्तलिफ अकलियतों ने अपना किरदार अदा किया। जब नेहरू ने बाउंड्री कमीशन का इनेकाद किया और उसने बताया कि डिवीजन कैसे होनी है, पाकिस्तान और भारत की डिवीजन कैसे होनी है, तो उस वक़्त उस डिवीजन की मुखालफत जो थी वहाँ के मसीहों ने की थी, उन्होंने कहा था नहीं, ये डिवीजन ठीक नहीं है, इस डिवीजन को ठीक होना चाहिए और इतना हिस्सा पाकिस्तान में आना चाहिए। और तो पंजाब के लिए उन्होंने क्या कहा कि पंजाब को एक जगह कर रहे थे लेकिन वहाँ पर पंजाब की जो पार्टीशन थी उसके लिए अकलियतों ने ही आवाज़ उठाई। और उन्होंने फिर जब था उसकी पार्टीशन और उसकी वजह से एसपी सिंघा साहब थे, उसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। तो इसलिए पाकिस्तान जो है अकलियत पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है और इस सरमाए को आगे लेके जाना है। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पहले चीफ जस्टिस साहब थे, वो भी मसीही थे। तो इस और पाकिस्तान के फिर जगन्नाथ मंडल से और इन सारों से कोई बात छुपी नहीं। फिर उसके बाद सन 1947 में पहली दफ़ा अगर यूरोप में किसी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया, 1947 के सुबह में वो पेरिस में लहराया गया और वह भी हमारे पाकिस्तान के पिंडी डिवीजन के एक मसीही थे जिन्होंने पाकिस्तान का पहली दफ़ा झंडा लहराया। जब कांग्रेस में पाकिस्तान की डिवीजन की बात हो रही थी, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जनाब वज़ीर-ए-ज़ादा साहब मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी, रवि कुमार साहब मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, विल्सन वज़ीर साहब मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, बिशप सूद सैफिक सेल्फी साहब, असिस्टेंट रुद ट्री फॉर इंटरफेथ हार्मनी, बिशप हंस जैकब साहब, हारून सबदयाल साहब। इंडीड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर टुडे इन द गैलेक्सी ऑफ आवर माइनॉरिटी पीपल्स हियर इन पिशावर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एंड also thankful to the ministry for religious affair and minority affairs and the minister Wazir-e-Zada and his team and Ravi Kumar and Wilson Wazir and all the managers of this functions that they have organized such a beautiful function for this conference which is named Harmony। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है
शायद मुझे ये और आप मिसाल कहीं ना दे सके कि जिसने अपने फ्लैग के अंदर अपनी माइनॉरिटीज को भी नुमाइंदगी दी। फ्लैग और सिर्फ कलरों में झंडे दुनिया के हैं, तारों में हैं, बट किसी झंडे की कोई डेफिनेशन लाइक दिस नहीं है। ऐसा हुआ पाकिस्तान में, या कायद आजम मोहम्मद जिन्ना ने क्यों किया? बिकॉज जो इस्लाम है ये मजहबी अमन व आश्ती का। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आज इंटरफेथ हारमनी का एक प्रोग्राम था जिसमें तमाम मजाहब इकट्ठे हुए ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर उस मोहब्बत को, उस प्यार को और उस काम को जो खुदा ने हमारे ज़िम्मे में किया है उसे हम एक दूसरे के मुताबिक बैठकर उसे देख सकें और एक वो मोहब्बत जो खुदा ने हमें सिखाई एक दूसरे के साथ उस मोहब्बत में बढ़ते चले गए और खुदा के नाम को हमारी ज़िंदगियों में से जलाल मिला। आज बहुत हुकूमती सतह पर बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ जिसमें जो है स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म थे, MP रवि कुमार साहब थे और फिर हमारे स्पीकर थे और बाकी जितने भी मजहबी रहनुमा थे, बिशप थे और एल्डर डीकन्स लोगों ने और तमाम मेजॉरिटी में लोगों ने जो है ना यहाँ पे शिरकत की और ये बिल्कुल खुदावंद ने अपने लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रखा और लोगों ने यहाँ पे आकर अपना बड़ा अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीखा और यकीनन इन तमाम लोगों का बैठना खुदावंद की ज़िंदगी में मोहब्बत को और तमाम नफरत की उन दीवारों को, तमाम नफरत के कामों को जो ज़िंदगी के अंदर आकर लोगों में इंतशार पैदा करते हैं तो यकीनन इस हवाले से वो काम ख़त्म हो गए और ज़िंदगियाँ जितनी भी हैं आपस में मिलेंगी, आपस में मोहब्बत रखेंगी और सदा ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी पड़ोसी को अपनी मानत जान और यही मोहब्बत है आज जो हम सब देखते हैं और इसी मोहब्बत में हम बढ़ना है, तरक्की करना है। और हम तो शुक्र है कि इस सारे प्रोग्राम के लिए कि हम आए, मेरी टीम आई और उन्होंने आके से अटेंड किया और हम सब ने पार्टिसिपेट किया। खुदा हमद आप सबको बरकत दे ताकि इसी तरह हम खुदा के इरफान में, जलाल में बढ़ते चले जाएं, रूकी यकानकत में और हम भाईचारे में और अमन और सलामती में रहकर ज़िंदगी बसर करें। खुदा हमद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। You're watching Divine Faith TV.